नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि पूजा के लिए जो कमरा बनाया जाता है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार होना चाहिए या किस तरह से, और मूर्ति की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए। वैसे हिंदू सभ्यता के अनुसार माना जाता है पूजा का कमरा हमारे घर का सबसे अभिन्न अंग होता है। कहते हैं कि पूजा के कमरे को ध्यान करने के लिए अलग ही बनाया जाता है, उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। भगवान का ध्यान करना है, पूजा करना ही माना जाता है, लेकिन पूजा करने के लिए हम मूर्ति की स्थापना भी करते हैं। तो मूर्ति की स्थापना कुछ विधि और नियम के अनुसार ही करनी चाहिए। तो जानेंगे हम इस वीडियो के दौरान कि भगवान की स्थापना या मूर्ति की स्थापना हम किस प्रकार अपने घर में करें ताकि घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती रहे। नंबर एक, जहाँ पर आपका मंदिर है, मंदिर ध्यान रखें कि साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई का ख्याल रखें, और मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। और यदि उसका मुख पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर होना अनिवार्य है, वरना आपके घर में सुख समृद्धि पाएगी नहीं बल्कि परेशानियों का घर भी बन सकता है। कोशिश करें कि आप अपने घर या भगवान के घर को उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाते हैं, तो इससे आपके घर में खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगे। नंबर दो, पूजा का घर किसी का भी बना हो, लकड़ी का हो या चंदन का हो या फिर सागौन का हो, किसी भी तरह का मंदिर बना हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर का जो आकार होता है वो शंकु के आकार का होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से अगर आपका मंदिर है तो आपके घर में खुशियाँ आनी ही आनी है। नंबर तीन, यदि आपके घर में धार्मिक पुस्तकें हैं तो आप उन पुस्तकों को पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही रखें, क्योंकि उन पुस्तकों को दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखने से आपका आध्यात्मिक ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उससे आपको ज्ञान की शक्ति भी मिल सकती है। नंबर चार, पूजा का घर आपका या तो कमरे में नहीं होना चाहिए, बेडरूम में भी नहीं होना चाहिए, और शौचालय जहाँ पर आपका बाथरूम है उसके नीचे या ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और जिसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा, इसलिए पूजा का घर इन स्थानों पर बिल्कुल भी ना बनवाएं। नंबर पाँच, यदि आप पूजा का स्थान बनवा रहे हैं और मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इन मूर्तियों को ही रखें। गणेश भगवान, दुर्गा माँ और कुबेर, इनकी मूर्ति हमेशा दक्षिण की ओर मुख करके रखें, लेकिन हनुमान की मूर्ति कभी भी दक्षिण की तरफ मुख करके ना रखें, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अर्घी के साथ जुड़ती है, उनकी मूर्ति कभी भी दक्षिण की ओर मुख करके ना रखें। तो ये है वह कारण, यदि आप पूजा का स्थान बनवा रहे हैं, मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो वह इस प्रकार ही करें, क्योंकि यह नियम और कानून के अनुसार ही यदि आप अपने घर में पूजा का स्थान बनवाते हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनवाते हैं, तो इससे आपके घर में समृद्धि और सुख आएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।